वेलकम बैक क्लास। अब बच्चा हम शुरू करते हैं हमारा क्यू, राइट। क्यू टू आपको अपॉन में दिया है, तो डरने की बात नहीं है, वो अपॉन में दे या सिंगल फाइव डिजिट नंबर दे, हम शांत मन से फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर बेटा उन्होंने एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रखा, खाली इतना सा देकर छोड़ दिया, तो क्या हमें पता नहीं चलता ये है क्यूब ये है रूट, मतलब क्यूब रूट निकालना है, करेक्ट। तो अब हम लोग क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं। आप लिखोगे द क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू 27 सिंपल है, एकदम इजी नंबर है, इसीलिए लेट मी स्टार्ट विद द सम डायरेक्टली। आप दो लाइन इस्तेमाल करके एक क्यूब रूट का साइन बनाओगे। देखो बेटा 27 जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, करेक्ट। तो 27 का जो फैक्टर है वो भी ऊपर आएगा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन 125 नीचे लिखा हुआ है तो उसके फैक्टर्स भी नीचे आ जाएंगे। अब यहां पे 3 टाइम्स 3 है तो आप लिखोगे खाली 1, और यहां पे 3 टाइम्स 5 है तो आप लिखोगे खाली 1। हेंस आपका आंसर तैयार है। अब बेटा यहां पर जो आंसर होगा ना वो एक ही पैटर्न में होगा, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी आपको ये पैटर्न दिया है, है? तो आप डायरेक्टली इस पैटर्न को कॉपी करो, सॉरी इसे कॉपी करोगे 27 अपॉन 125 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 एंड योर सम गॉट ओवर, सिंपल, फाइन। अब बेटा सम नंबर 2 में आ जाओ। जिन लोगों ने मुझे ध्यान से कभी सुना है या जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट है जिनको पता है कि लाइक सर को मैथ्स में बिल्कुल भी इधर उधर नहीं पसंद, वैसे तो कोई भी टीचर को नहीं पसंद, बट मैं कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं उन सब चीजों को लेकर, और ये चीज मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 के सेकेंड सम में आपको समझाई। अगर आपको मैथ से थोड़ा भी ध्यान है ना तो पहले आप फ्रैक्शन को देखो। अगर आप फ्रैक्शन को ध्यान से देखते हो तो ये है 16 और ये है 54, ये साथ में लिखे नहीं जा सकते, क्यों? बिकॉज 16 और 54 एक टेबल में कॉमन है, और फ्रैक्शन का पहला नियम ही यही है कि आप इस तरीके से अरेंज करो बेटा कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में कॉमन होने चाहिए, पर यहां पर तो ये नहीं है। तो सबसे पहला काम मैं इसे सॉल्व बाद में करूंगा, पहले मैं सोचूंगा कि ये कौन से टेबल में कॉमन है, क्लियर। अब 16 और 54 अगर आप ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस पे 6 है, यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 2 के टेबल में तो पक्का डिवाइड होने वाले हैं। सो आप इसको डिवाइड बाय 2, ओ सॉरी ये तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सट्रीमली सॉल्व किया, डिवाइड बाय 2 अपॉन 54 डिवाइड बाय 2, करेक्ट। अब 2 के टेबल में 16 कब आता है बेटा? 8 था, और 54 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाता है आपका 7। इन शॉर्ट इन लोगों ने क्वेश्चन दिया है 8 अपॉन 27, लेकिन जानबूझ के हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए 16 अपॉन 54 दिया, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मैथ्स हमें आता है,
Okay, so now we begin. We will write the cube root of, ये है हमारा actual question. अब बेटा 27 तो आप देख ही सकते हो वो 3 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है, तो आप डायरेक्टली इसे लिखोगे यूजिंग टू लाइंस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 द होल अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 2 अपॉन 3. 3 बार 2 है लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ 1 बार, और 3 बार 3 है लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ 1 बार. अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपका क्वेश्चन ये है तो क्वेश्चन यही रहने देना, उसको चेंज मत करना. क्यों सर ऐसे कैसे? वेरी सिंपल, आपने 5 ब्रीफ आंसर पढ़े लेकिन उसमें से आ गया 6th वाला, तो टीचर आपको पहले 5 का कोई भी आंसर लिख के आपको आंसर देगी क्या? आप बोलोगे टीचर मैंने फर्स्ट वाला पढ़ा था, आंसर तो राइट ही है ना. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन और आंसर मैच करो, नहीं होता है ना, तो फिर इसीलिए जो क्वेश्चन दिया है वही क्वेश्चन रहेगा, उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको. बेटा आप इसके नीचे ही लिखिएगा प्लीज आंसर. द मेन क्वेश्चन इज and the correct answer is 2 upon 3. Fine? अब बेटा इसके आगे एक लास्ट सम बचता है, that is Q3. हम उसे सॉल्व करेंगे वो अगले वीडियो.